हाय नमस्ते सच्चेगा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो जैसे कि कल हम लोगों ने जो रिएक्शन वीडियो बनाया था जो नुमान अली साहब के एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो आज उसी का हम नेक्स्ट एपिसोड बनाते हैं बिकॉज आई एम रियली ईगर टू नो कि कुरान और हमें और क्या क्या चीजें मैंशन की गई है। ये उनका फर्स्ट लेक्चर है आई गेस एपिसोड 2। मैं सर्च कर रही थी इनका एपिसोड 2 बट जो उनका थंबनेल था उनमें उनकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, तो आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट कि ये वही नुमान अली साहब हैं या कोई और है। तो इट टुक मी सम टाइम टू सर्च फॉर द राइट वीडियो, बट आई गेस कि जो मैंने वीडियो सर्च किया है और जिस पे मैं अभी रिएक्ट करने जा रही हूँ, आई गेस कि ये बिल्कुल सही वीडियो ही मैंने सिलेक्ट किया हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद में हमें पता चलेगा और एंड में एज यूजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो में क्या चीजें मेंशन की गई है। एंड आई हैव माय नोटपैड एंड पेंसिल रेडी विद मी, मैं उसमें जो भी मेरे पॉइंट्स जो भी डाउट्स मेरे होंगे आई विल नोट इट डाउन और उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगी प्लीज हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड कि वो उनका मीनिंग क्या है, बिकॉज एक दो लोग ही कॉमेंट करके बता देते हैं कि ये है। ऑल्दो ठीक है, आप लोगों के कॉमेंट से मुझे समझ आ जाता है कि व्हाट यू एग्जैक्टली ट्राइंग टू से कि उसका क्या आप लोगों ने बताया है कि क्या ट्रांसलेशन है, बट अच्छा लगता है जब आप सब लोग ट्राई करते हो कि हाँ मुझे ज्यादा चीजें समझ में आए, तो एक अपना पन सा लगता है कि देखो माय ऑडियंस इज रियली यू नो वेल कनेक्टेड विद मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب العالمين। قرآن کے بارے میں جو پہلے کچھ بیسک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا سب سے سمال سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہے। आयत का तर्जुमा इंग्लिश में करते हैं वर्स, जिससे मुझे बहुत शदीद इख्तिलाफ है। मैं वर्स इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वर्स के इंग्लिश में दो मायने हैं, दो तरह इस्तेमाल होता है, या तो होता है बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट यानी बाइबल के बारे में बात हो रही हो तो वर्स इस्तेमाल करता हूँ, और ये कुरान के खिलाफ एक इल्ज़ाम भी था कि यह बाइबल से चोरी किया हुआ कलाम है। तो कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे ये हिंट भी हो कि इसका बाइबल से डायरेक्ट ताल्लुक है यानी उससे लिया गया है, आई डोंट नो, तो वर्स में इसलिए इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी बात वर्स में ये है कि वर्स इस्तेमाल होता है पोएट्री के लिए, सॉन्ग्स के लिए, गानों के लिए, शेर के लिए, वर्सेस ऑफ पोएट्री, वर्सेस ऑफ सॉन्ग, राइट। और कुरान में बहुत स्ट्रॉन्ग निगेशन है, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगीला, बहुत सख्ती से कहा गया है ना हमने उसको शायरी सिखाई है, ना उसको फिट आती है, ना उसके लायक है, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक है शायरी, यानी शायरी इसका से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं वर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन फिर एक कन्फ्यूजन आती है कि आयत के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, क्या आयत के लिए सेंटेंस इस्तेमाल किया जाए, जुमला इस्तेमाल किया जाए, नहीं, क्योंकि कुछ आयात हैं जैसे फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये तीन आयात हैं लेकिन जुमला एक ही है, एक जुमला है लेकिन तीन आयात पर डिस्ट्रीब्यूट है। या युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिथ्लु हज़्ज़िल उन्थयैन, सूरह निसा की बहुत लंबी आयत है विरासत का, एक आयत है उसमें बहुत सारे जुमले हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी आयतें मिलके एक जुमला बनती है, एक जुमला बनता है, कभी ऐसा होता है कि एक ही आयत के अंदर बहुत सारे जुमले, कभी ऐसा होता है कि आयत एक लफ्ज़ है अर्रहमान, सूरह रहमान अर्रहमान एक लफ्ज़ है, दसन आया अल्लम अल-कुरान अगली आयत है, जुमला एक ही बल्कि अर-रहमान अल्लम अल-कुरान दोनों मिला के एक जुमला बनता है, लेकिन उसको दो आयतों में डिवाइड किया हुआ। फिर कभी कभी आयत ऐसी होती है जो इंसान की समझ से बाहर है, अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद, वो भी आयत है, यानी आयत को किसी और लफ्ज से ताबीर करना मेरे नज़दीक गलत है। इट्स ए यूनिक प्रोप्राइटरी कंस्ट्रक्ट ऑफ कुरान, कुरान की एक अलग कंस्ट्रक्शन है जिसको आप किसी और लिटरेचर से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये बहुत अहम नुक्ता है, कुरान को किसी भी और लिटरेचर से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसके अपने स्टैंडर्ड हैं, इसके अपने स्टैंडर्ड हैं। और आम गलती ये होती है कि हम और क्योंकि हम किताबें ज़िंदगी भर पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक स्कूल में पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, राइट, और किताबें पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में एक स्ट्रक्चर है, किताब का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किताब की एक डिवीज़न होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम क्योंकि उस तरह सोचते हैं हमेशा जब कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो जो हमारा बैकग्राउंड है ना बाकी किताबों का, हम उसको गैर शौरी तौर पे भी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं,
قرآن از سمتھنگ ایلس. اچھا قرآن میں باب نہیں ہے, چیپٹر نہیں ہے, قرآن میں کیا ہے؟ سورت ہے, نہ ورس ہے نہ سینٹینس ہے, آیت ہے, دیٹس سیپریٹ سٹینڈرڈ. پھر سورت اپنا الگ سٹینڈرڈ ہے. اگر کتاب میں چیپٹر ہوتے ہیں, چیپٹر 1, 2, 3, 4, 5 اس طرح ہوتے ہیں, کبھی کبھی قرآن کے ترجمے میں سورت کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے, ترجمہ کر کے اس کو چیپٹر لکھ دیتے ہیں. اٹس ناٹ, ڈزنٹ میک سینس. وائی؟ اگر چیپٹر 4 میں کوئی بات ہو رہی ہو تو لازماً چیپٹر 3 کی بیسس پہ بات ہو رہی ہے. یعنی جو بات چیپٹر 3 میں کر چکا ہوتا ہے, جو بات پہلے رائٹر کر چکا, وہ دوبارہ اس کو دہرائے گا نہیں. اگر دہرانے کی ضرورت بھی پڑے تو وہ نیچے فٹ نوٹ لکھ دے گا, ریفر بیک ٹو چیپٹر 3. رائٹ؟ اسی طرح پروگریشن ہوتی ہے کتاب میں. اور کتاب میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ لیں اور اس کا 10th چیپٹر پڑھنا شروع کر دیں پہلے چیپٹر پڑھنے سے پہلے, بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں. اگر کتاب کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے تو شروع سے پڑھو, پہلا چیپٹر پڑھو, پھر اس کی انٹروڈکشن, پھر پہلا چیپٹر, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. اگر آپ اس سیکوینس میں نہیں گئے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. قرآن کی پہلی آئی ہوئی آیتیں, نازل ہوئی ہوئی آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہیں کہاں وہ آیتیں؟ بالکل آخری میں, تیسرے سپارے میں. یعنی جو بات شروع میں سمجھ آ گئی تھی انسان کو, جو پہلا پیغام تھا انسان کو, وہ آخر میں. بلکہ جو قرآن کا آخری حصہ ہے اس میں زیادہ تر اکثریت مکی صورتوں کی ہے, اور مکی صورتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں, وہ قرآن کے آخر میں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آخر میں جا کر قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, ولم یکن لہ کفواً احد, اگر آپ صرف وہ اکیلی صورت الگ سے پڑھ لیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پہلے 110 صورتیں پہلے پڑھنی چاہیے تھیں پھر یہ صورت سمجھ میں آتی, ایسی بات نہیں ہے. یعنی صورت ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہے, ایک طرح سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کچھ تعلق ہے باقی صورتوں سے, لیکن کافی وجہ سے ہر صورت ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ بھی ہے. لیکن چیپٹر کی یہ بات نہیں ہوتی. ہر چیپٹر دوسرے چیپٹر کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, لگا ہوتا ہے, جڑا ہوتا ہے, اور آپ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو صورت, سورہ از ناٹ چیپٹر, آیا از ناٹ ورس, اٹس اٹس اون اسٹینڈرڈ, اٹس اون اسٹینڈرڈ. پھر ایک بہت اہم بات جو اس انٹروڈکشن میں کر دینی چاہیے, قرآن, سوال یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن تقریر ہے, کلام ہے, یا کتاب ہے, لکھی ہوئی چیز ہے یا بولی ہوئی چیز ہے, یہ سوال ہے, بہت ضروری سوال ہے. انسان کے لکھنے میں اور انسان کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی میں آپ سے بول رہا ہوں, اور جب میں بولتا ہوں تو میری زبان میں غلطی بھی ہوتی ہے, میں اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں, غلطی سے انگریزی کے لفظ بھی بیچ میں داخل کر دیتا ہوں, کرتا ہوں کہ نہیں؟ انسان کی سپیچ میں اگر انگریزی میں ہو, اردو میں ہو, کسی بھی زبان میں ہو, غلطی لازمی ہے, وہ ہوتی ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے, واپس جا کے دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, فرض کریں کہ میں کوئی تقریر دے رہا ہوں اور کسی نے اس تقریر کا ٹرانسکرپٹ, پوری ریکارڈنگ اس کو ٹائپ کر دیا, اس میں ریپیٹیشن ہوگی کہ نہیں؟ لازمی ہوگی. اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس, غلطیاں ہوں گی کہ نہیں؟ تو اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لازمی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب تھی, ہوتی بھی وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب وما تخطہ بیمینک, آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کتاب, قرآن میں خدایت نازل ہو گئی, آپ تو پڑھنے والے ہیں ہی نہیں, اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے. وما تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون, اگر جن لوگ, جو لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ان کو کوئی شک ہو رہا ہے تو وہ دکھا دے کہاں سے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شروع سے ہی اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے. کتاب کہا جاتا ہے جو چیز باؤنڈ, پرنٹڈ, ٹائپڈ, ریٹن, اسے کتاب کہتے ہیں. لوگوں کے سامنے کتاب تھی کہ نہیں؟ لوگوں کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی. کتاب ہوتی بھی تو کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ رسول کے ہاتھ میں ہوتی. رسول کے ہاتھ میں کتاب کا کیا فائدہ؟ اس رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کلام بھی کہا گیا ہے, حتی یسمع کلام اللہ, قرآن کو کلام بھی کہا گیا ہے, قرآن کو قرآن بھی کہا گیا ہے. قرآن جو چیز اونچی آواز میں پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتاب کیوں کہا گیا, یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس سیشن. پہلی بات کہ لوگ جب اس بات کو سنتے تھے, قرآن کو سنتے تھے, تو انہیں فوراً امیڈیٹلی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نہیں کہتے تھے. انہیں فوراً احساس ہو جاتا کہ یہ ایسے تو نہیں بولتا, یہ کہاں سے بات کرتے ہیں, یہ کہیں اور سے لکھا ہے. اور فوراً پتہ چلتا تھا کیونکہ کلام میں کوئی غلطی نہیں, کوئی بریک نہیں, ایک فلو ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اٹس ویل ریٹن, کتاب ہے, یہ کتاب ہے. تو قرآن کو کتاب اس لیے کہا گیا کہ ایون سننے والے کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ
कोई आम स्पीच नहीं है, ये लिखा हुआ कलाम। सवाल पैदा हुआ कि ये लिखा किसने, सवाल ये पैदा होता है कि लिखा किसने। अब मैं इस सवाल की एक और साइड आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद एक मिसाल देता हूँ। जब मुसलमान मदीने मूव हुए, हिजरत की, मदीने में काफ़ी बड़ी तादाद थी यहूद की, और यहूद पढ़े लिखे लोग थे, उनको पढ़ना लिखना आता था, अरबी भी पढ़ लिखते थे, और उनको ये भी पता था कि रसूल सल्लम उम्मी है, यानी पढ़ते लिखते नहीं, बल्कि उनके नज़दीक एक तरह से ये गाली भी थी। देखो ज़रा ये अनपढ़ लोग, उन्हें उम्मीयून कहते थे। उम्मी के मायने उम से निकलते हैं। उम पता है किसे कहते हैं? उम माँ को कहते हैं। उम उम्मी का मायना वो इतना अनपढ़ जैसा कि अभी माँ से निकला है, उसे उम्मी कहते हैं। यानी इसको अभी तक लिखाई पढ़ाई का उतना ही इल्म है जितना एक एक दिन के बच्चे को होगा, इसीलिए उसे उम्मी कहते हैं। यहाँ से ये लफ्ज़ निकला। अच्छा, वो लोग कहते थे उनको उम्मी, यानी उनके नज़दीक ये एक तरह से एक इंसल्ट थी। बकरा जो है, सूरह बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत, वो मदनी दौर की, यानी रसूल सल्लम के मदीना मूव होने के बाद सबसे पहली सूरतों में से। पहली आयत क्या है सूरह बकरा की, पता है किसी को? अलिफ लाम मीम। अच्छा, अलिफ और लाम और मीम ये हरूफ है ना, ये हरूफ के नाम है। इंग्लिश में हरूफ के नाम है ए बी सी डी ई एफ क्यू आर व्हाटएवर, राइट? दीज आर लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ये अल्फाबेट के लेटर्स हैं अलिफ लाम मीम। अच्छा, ये बताएं अल्फाबेट कौन सीखता है? जो पढ़ना सीख रहा हो। अल्फाबेट किसे आती है? जिसे पढ़ना आता हो। जिसने कभी पढ़ना सीखा ना हो, उसका हरूप से क्या ताल्लुक? बहुत सारे लोग हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अब जो उर्दू बोलता है, पढ़ता नहीं, उसे जाके कहो अलिफ, है कि है? उसे क्या पता अलिफ क्या है? उसके मतलब की बात ही नहीं। अलिफ तो उसके मतलब की बात है जो बैठ के किसी उस्ताद के साथ पढ़े, अलिफ क्या होता है, लाम क्या होता है, मीम क्या होता है, वो हुरूफ पढ़े, राइट? बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम ही यहूद के लिए एक तरह का शौक थी। ये हुरूफ उसको किसने सिखा दिए? ये तो उम्मी है, उसको तो पढ़ना नहीं आता, इसने कहाँ से सीख लिया हुरूफ? ये हुरूफ तो किसी किताब से होते हैं। अगली आयत क्या है? ज़ालिकल किताब। बाकी ठीक कह रहे हो, किताब है, यानी पहले अल्लाह ताला ने उनका जहन इस तरफ डाला कि ये तो किसी किताब से है, फिर बताया वाकई किताब से है, ये अल्लाह की किताब है। अच्छा, तीसरी बात, क्योंकि रसूल सल्लम के सामने लिखी गई बात नहीं है। जब मैं कोई बात करता हूँ, मुँह से निकलती है, और जब मैं कोई बात लिखता हूँ, उसमें एक और फ़र्क भी है, इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कोई बात लिखता हूँ ना, तो शायद गलती से लिख दूँ, तो लाइन क्रॉस कर दूँ, अगर कंप्यूटर पर टाइप कर रहा हूँ तो लफ्ज़ को इरेज कर दूँ, कट कर दूँ, पेस्ट कर दूँ, ऐसे लिखूँ तो उसमें से एक दो जुमले निकाल दूँ, एक पैराग्राफ को बड़ा कर दूँ, एक को छोटा कर दूँ, एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। जब बोल रहा होता हूँ तो एडजस्टमेंट का कोई मौका मिलता है? जो बात एक दफ़ा निकल गई वो निकल गई, अब वो वापस नहीं ली जा सकती। कुरान में कोई एडिट, कोई एडिटोरियल प्रोसेस है? अगर लिखा हो, अगर लिखा हो इंसान के सामने, तो हो सकता है उसको मिटा के कोई और चीज़ डाल दे, कोई एडजस्टमेंट्स कर दे। कुरान पूरा का पूरा बोला गया है किताब अल्लाह ताला की, यहाँ अल्लाह ताला की पोजेशन में, लौहुल महफूज, लौहे महफूज के अंदर अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जो दिया गया वो कलाम दिया गया, ज़बान पे दिया गया, और ज़बान में एक दफ़ा बात निकल जाए तो वो वापस नहीं ले जा सकती, समझ रहे हैं बात? अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बता दूँ। अरब जो है ना, इनको कीड़े निकालने का बड़ा शौक था, बात में कीड़े निकालने का उन्हें बहुत शौक है। अरबी ज़बान पर बहुत नाज है, बहुत ज़्यादा नाज है, बहुत प्राउड है। और कोई शायरी करता है ना, तो हम उर्दू में कोई शायरी करता है, हम कहते हैं वाह वाह क्या बात कर दी। अरबी में कोई शायरी करे तो वो उसकी तनकीद निकालनी शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हसान इब्न साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल सल्लम के बड़े मशहूर शायर थे। तमाम कबीले जो थे ना मुसलमानों के, उनका आपस में एक तरह से कंपटीशन होता था कि सबसे ज़्यादा जिहाद कौन करेगा, सबसे ज़्यादा इन्फाक यानी खैरात में कौन सदका करेगा, उनका आपस में एक कंपटीशन सा होता था। तो उन्होंने अपने कबीले के बारे में वज़न लिखी, हसान इब्न साबित ने, لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى واسيافنا يقطرنا من نجده دما। बड़ी खूबसूरत पोम है, उन्होंने लिखी कि हमारे पास बड़े चमकीले प्याले हैं। प्याले का मकसद, वो जब सदका देते थे तो प्याले में देते थे, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम तो जिस प्याले में सदका देते हैं वो खुद चमकीला है, तो अंदाज़ा करो प्याले में होगा क्या, क्योंकि प्याला द बोल इटसेल्फ इज एग्जॉटिक। यलमअना बिद्दुहा, जो दिन के वक्त चमकते रहते हैं,
یعنی ہم پورا دن صدقہ دیتے ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. وہ اسیافنا یقترنا, اور ہماری تلواریں ان میں سے قطرے گرتے رہتے ہیں. من نجدتن, کیونکہ ہم جا کے ریسکیو مشن کہتے ہیں نا, جیسے ہمارا کوئی بندہ پکڑا گیا تو ہم تین چار کو لے کے پوری فوج سے لڑ کے اس کو واپس لے کے آئیں گے, ریسکیو مشن, اس کو نجدہ کہتے ہیں. ہماری تلواریں خون سے دبکتی رہتی ہیں کیونکہ ہمیشہ ہم ان مشنز پہ جاتے رہتے ہیں, ہماری تلواروں کو سوکھنے کا موقع نہیں ملتا. تو پہلی لائن پوئٹری کی تھی, ان کے شعر کی تھی, اپنی خیرات کے بارے میں, دوسری تھی بہادری کے بارے میں, رائٹ. خنسا رضی اللہ عنہا ان کی شاعری سن رہی تھی, انہوں نے حسان کو بلایا, کہتی ہیں قلت جفنات لو قلت جفان لکان احسن, آپ نے جفنات کا, جفنات پیالے, اگر جفان کہتے تو بہتر ہوتا. جفنات کہتے ہیں کیونکہ عربی میں جمع دو طرح کی ہے, ایک جمع ہے جو دس سے کم, ایک جمع ہے وہ دس سے زیادہ. انہوں نے جفنات استعمال کیا, وہ دس سے کم. خنسا نے کہا جفان کہتے تو زیادہ آپ لوگ زیادہ جنرلس ہوتے, آپ کے پاس صرف نو پیالے ہیں کیا, زیادہ نہیں ہے. الغر یلمعنا بالضحا, پھر وہ کہتی ہیں, آپ نے کہا یلمعنا, وہ چمکتے ہیں, آپ کو کہنا چاہیے تھا یشرقنا, چمکتے نہیں ہیں, ان سے خود روشنی نکلتی ہے. چمکنے کا مقصد ہے روشنی کہیں باہر سے آتی ہے پھر اس پہ سے آ کے چمکتی ہے, آپ کو کہنا چاہیے تھا یشرقنا. پھر آپ نے کہا تھا بالضحا, دن میں چمکتے ہیں, کہتی دن میں تو پتھر بھی چمکتا ہے, باللیالی رات کو چمکنے کی بات کرنی چاہیے تھی. پھر کہتی ہے اسیافنا, اسیافنا کی جمع یہ جو ہے نا, پھر وہ والی جمع ہے جو دس سے کم ہوتی ہے. یار تمہارے پاس تو تلواریں ہی نہیں ہیں, سیوفنا کہنا چاہیے تھا, کچھ تلواریں تو ہوں تمہارے پاس, سیوفنا. پھر کہا یقترنا, یقترنا کے معنی اس سے قطرے گرتے رہتے ہیں, قطرہ یقترنا. یار تم نے تو بیرلی, تم نے تو دشمن کو کٹ ہی نہیں کیا, اس میں قطرے گر رہے ہیں. یا جرینا کہنا چاہیے تھا, یعنی اس سے بہتے ہیں, قطرے نہیں گرتے بہتے ہیں. دمن نہیں کہنا چاہیے تھا, دما ان کہنا, دمن کے معنی خون کا قطرہ, دما ان یعنی خون کے دریا, خون کے دریا کہنا چاہیے تھا تمہیں. تمہاری شاعری اچھی ہے لیکن نیڈ سم ایڈجسٹمنٹس. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو یہ مثال کیوں دے رہا ہوں. ہارمون کو کیڑا نکالنے کا بہت شوق, وہ کسی کو نہیں چھوڑتے, کسی کو نہیں چھوڑتے. اور یہ 600 صفحے کا قرآن ہے, 600 صفحے کا قرآن. ایک دفعہ جو کسی نے تلقین کی, کسی نے کمپلینٹ کی, ایک دفعہ جو کسی نے بات کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہتا ہے تمہارے قرآن میں تین غلطیاں, ہم نے کبھی یہ تین الفاظ نہیں سنے, ہمارے یہاں ہی نہیں. قرآن کہتا ہے کبار و مکر مکرن کبارا, ہم کبار کا لفظ استعمال نہیں کرتے, کبیر استعمال کرتے ہیں. کبیر سنا ہے کبھی پہلے؟ قرآن میں کبار بھی استعمال ہوا ہے, کبار غلط ہے, یہ عربی نہیں ہے. رسول صاحب نے کہا اور بتاؤ اور کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں عجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان ھذا لشیء عجیب, ان ھذا لشیء عجاب, عجیب تو سمجھ آتا ہے, یہ عجاب کیا ہے؟ عجاب کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ کہتا ہے تمہارے قرآن میں شیر کے لیے اسد کے بجائے قسورہ, فرت من قسورہ, قسورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم قسورہ استعمال نہیں کرتے, ہم غضنفر استعمال کرتے ہیں, اسد استعمال کرتے ہیں, قسورہ استعمال نہیں کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بیٹھو, میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ, انہوں نے خادم کو اندر بلایا, کہا کہ حسان کو لے کر آؤ. وہ صحابی کو لے کر آئے, صحابی کو لے کر آئے, صحابی سے کہا بیٹھو, صحابی بیٹھ گئے. پھر صحابی سے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. اچھا جاؤ, جانے لگے, نہیں 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 بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گئے, پھر کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ, پھر کھڑے ہو گئے, پھر کہا جاؤ, جانے لگے, نہیں نہیں تمہارا بیٹھ جاؤ. اب صحابی کنفیوز, مجھے کیوں اٹھ بیٹھ کر آ رہے ہیں, باہر حیران ہو کے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا قسورۃ العرب انت کبارنا ھذا شیء عجاب. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عرب کے شعر, اور کیا لفظ استعمال کیا؟ قصورۃ العرب انت کبارنا, آپ ہمارے بڑے ہیں. کبیر نہیں کہا, کیا کہا؟ کبارنا. ھذا شیء عجاب, یہ بہت عجیب چیز ہے. اس کا جواب ادھر ہی ادھر مل گیا, یہ تین الفاظ عربی کے ہیں کہ نہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کی ان آیات کو اس طرح ایکسپلور کیا جائے, اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ قرآن کہا گیا تھا, لکھا نہیں گیا تھا, کہا گیا تھا. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی مثالیں ہم اس پہ سے گزریں گے کہ انسان, میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا گیا ہے, لکھا نہیں گیا, کیسے ممکن ہے؟ انسان جس حیرانی میں رہ جاتا ہے. تو
तो होपफुली इंशाल्लाह उन कुछ मिसालों को मैं आपके सामने रख सकूंगा सक्सेसफुली। बारकल्लाहु ली वलकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, तो कुरान कहा गया है, लिखा नहीं गया है, मुझे समझ नहीं आया ये चीज क्या थी, तो प्लीज बताइए। बिकॉज कुरान जो बुक है उसमें हम सबको बताया कि अभी तक तो मैंने यही सुना है कि कुरान जो है अल्लाह के द्वारा इस दुनिया में दी गई एक बुक है जो कि अल्लाह ने खुद लिखी है। बिकॉज जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो लेकिन अभी मेरे माइंड में ये चीज़ आई क्योंकि इससे पहले कभी नहीं आया। हमेशा सुनते थे कि कुरान जो है लिखी गई है, एक होली बुक है। बट उस टाइम पे क्योंकि 7th century में तो प्रोफेट मोहम्मद ही आए थे और अल्लाह ने खुद लिखा था, तो उनको किसने पढ़ाया होगा, कहाँ से उन्होंने लिखना सीखा, कैसे उन्हें पता था वर्ड्स कैसे बनाते हैं। बिकॉज मतलब मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये जो पढ़ाई है लिखना वर्ड्स जो हैं वो सब मतलब बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे कि ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, बट उस टाइम पे किसने उन्हें लिखना सिखाया, किसने पढ़ना सिखाया। तो अगर आप लोगों को तो ज़रूर पता होगा इस चीज़ का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ताकि मेरा भी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो। और एक चीज़ और मुझे पता चली इसमें, सूरज जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप एक सूरत पढ़ते हो तो यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व ऑल द इन्फॉर्मेशन जो उस पर्टिकुलर सूरत में दी गई है। ऐसा नहीं है कि उसको समझने के लिए आपको किसी दूसरी सूरत को रेफर करना पड़ेगा या किसी दूसरे चैप्टर को रेफर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक मुझे पता चली, बिकॉज मुझे नहीं पता था। ये तो मैंने सुना था कि आयत होती हैं, सूरत होती हैं, अलग अलग होते हैं इसमें। और इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने मैंशन किया है कि मतलब वो कभी भी वर्ड्स यूज़ नहीं करते। नॉर्मली हम बोलते थे ना वर्ड्स, तो वो यूज़ नहीं करते। उसका दो रीज़न उन्होंने दिए थे कि एक तो वर्ड्स बाइबल में यूज़ किया जाता है और सेकंड जो है वर्ड्स मींस पोएट्री के लिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन अल्लाह की ये जो होली बुक है, इट हैज़ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और दीन के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि सब लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं। ये कोई पोएट्री, कोई शायरी टाइप में नहीं है, तो इसलिए वो जो आयत हैं उनको वर्ड्स बोल के एड्रेस नहीं करना चाहते। और ओबियसली यहूदियों को सरप्राइज होना बिल्कुल जायज़ था, सो डू आई, क्योंकि मैं भी सरप्राइज हूँ। ये चीज़ तो मैंने इस वीडियो को देखने के बाद में पता चला कि मतलब उन्हें लिखना पढ़ना कैसे आ गया था। ना कि सिर्फ उन्हें, मीन्स अगर उस टाइम की बात कर रहे हैं तो जो भी यहूदी भी थे या जो भी लोग थे उस टाइम पर, उनको पढ़ना लिखना आता कैसे था, है ना, कहाँ से आया। और जो अलीफ लाम लीम उन्होंने बताया है, मैं बहुत छोटी थी, आई गेस कि मस्ट बी आई वॉज इन क्लास फोर्थ या फिफ्थ में होंगी, जब मैंने मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स रही हैं जो मुस्लिम हैं, तो वो लोग जब उनको आता था पढ़ना तो फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो मैंने अली बे ते से वो सारा एक कायदा आता था, जो छोटी सी बुक होती थी जिसको कायदा बोलते थे, वो जिन अंकल ने मुझे ला कर दिया था कि आप इसे पढ़ना सीखो तो आपको आ जाएगी उर्दू। अली बेते से उनको मैं लिख भी लेती थी अच्छे से, फिर उनको दिखाती थी, एवरीडे मेरा टेस्ट भी होता था। उसके बाद में जब मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी तो अभी तो मुझे नहीं आता, लेकिन उस टाइम पर मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था लर्न करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने बोला था इसमें 600 सफ़े, तो वो सफ़े क्या हैं, जो किसको मीन्स किस चीज़ को बोला जाता है सफ़े, जो कि कुरान में मैंशन है। उन्होंने बोला था कि 600 सफ़े मैंशन है, आई गेस कि पेजेस होंगे, सफ़ा आई गेस पेजेस को शायद बोलते होंगे सफ़े। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, बताना कि किसके बोलते हैं सफ़े। और एक चीज़ और मैं लास्ट यहाँ पे, क्या आप लोगों को पता है कि जो ओरिजिनल कुरान है, बिकॉज कुरान एक ही है बट पूरी दुनिया में हर जगह मुस्लिम तो हैं ही, मॉस्क भी हैं, और वहाँ पे आई गेस की होली बुक तो होती होगी हर जगह में, तो जो ओरिजिनल होली बुक कुरान है वो कहाँ पर है इस टाइम पे, जो मतलब जो फर्स्ट कुरान लिखा गया था वो कहाँ पर है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने इसका एपिसोड 2 भी बनाया, और सेकंड रीज़न इसका ये भी था, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर। और मुझे लगता है इनके काफ़ी सारे चैप्टर हैं, तो मैं ज़रूर इनका एक एक एपिसोड लेके इस पर भी रिएक्ट करते रहूँगी, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। काफ़ी नई नई चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। With the love and support all of you, I hope I will continue learning more and more things.
बट मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मुझे प्यार प्यार कमेंट करते रहिए, और हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय वीडियो। और आप लोग एक और तरह से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी जो वीडियो को है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इसका मुझे कैसे पता चलता है, जैसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स जब चेक करते हैं तो उस रिपोर्ट पे हमें पता चल जाता है। तो अभी आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, 56% जो मेरी ऑडियंस है वो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आ रही है, जैसे कि आप लोगों में से ही सब लोग कोई ना कोई तो शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को व्हाट्सएप पे, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो फिर वहाँ से लिंक हो रहे हैं या वो लोग मुझे वहाँ से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ओके जी, बाय बाय।